हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित फैजल यूट्यूब चैनल में। सो फाइनली पबजी मोबाइल गेम का 0.13 का बहुत बड़ा अपडेट कब आएगा वो कंफर्म्ड हो गया है, और इस अपडेट में क्या कुछ आएगा वो भी कंफर्म्ड हो गया। तो अभी आप जैसे ही पबजी मोबाइल गेम को ओपन करोगे तो इस तरह का मेंटेनेंस नोटिस आप लोग को दिखाई देगा। इसमें फुल कन्फर्मेशन दिया हुआ कि क्या क्या इस 0.13 अपडेट में हमें देखने को मिलेगा। और सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि आपके फ़ोन में कितना GB खाली होना चाहिए इस अपडेट को अपडेट करने के लिए अच्छे स्मूथली, ओके। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाइस इस बार अपडेट हमें बहुत जल्दी मिलेगा। हमेशा ऐसा होता है कि 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में हमें अपडेट देखने को मिलता है पबजी मोबाइल गेम का, बट इस बार दोस्तों यहाँ पे 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप कंफर्म समझ लो कि 13 तारीख तक हमें अपडेट मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में, और यहाँ पे इन गेम अपडेट नहीं होगा दोस्तों, ये हमें गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अपडेट साइज बहुत बड़ा होने वाला है 0.13 का। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सबसे पहले क्या आएगा वो इन्होंने बताया। गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि टीम डेट मैच, ओके। आप लोगों को पता ही होगा, अभी इसके बारे में वीडियो बना के आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को पहले ही बता चुका, और उसका गेम प्ले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। अगर नहीं देखा आपने उसका गेम प्ले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि एक 4v4 न्यू गेम प्ले न्यू मोड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको इन्होंने नाम दिया है टीम डेट मैच, ओके। तो वो हमें आप लोगों को वो हमें देखने को मिलेगा 0.13 अपडेट में, ओके गाइस। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने FPP और TPP के लिए अलग सेटिंग्स बनाया, अलग कंट्रोल्स का अलग सेटिंग्स इन्होंने बनाया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि एक कुछ ऐसा कुछ सिस्टम ऐड कर रहे गेम में, जिसमें वो जैसे आप एमुलेटर से खेलते हो तो तुरंत ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भैया ये एमुलेटर से खेल रहा है, उसको मोबाइल प्लेयर्स के साथ वो खेलने नहीं देंगे। उसके अलावा दोस्तों जो भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि हैकिंग वगैरह इस्तेमाल करेंगे उसको भी बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे अब वो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अपग्रेड थर्ड पार्टी ऐप्स प्रीमियर सिस्टम जो भी है वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आप लोग को बैंड भी कर देंगे जैसे ये पता कर ले, ओके। उसके अलावा दोस्तों MVP शोकेस सिस्टम एट द एंड ऑफ ईच मैच, यानी कि MVP सिस्टम में कुछ एनिमेशन वगैरह इन्होंने ऐड किया। जब आप गेम मैच जीतोगे या हारोगे तो जब मैच खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को एक अजीब सा एनिमेशन देखने को मिलेगा सेलिब्रेशन टाइप का, ओके। और यहाँ पे इन्होंने ये MVP पास द टॉप 3 प्लेयर्स इन क्लासिक मोड और MVP ऑफ द विनिंग स्क्वाड इन टीम विल बी फीचर, ये मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। तो इन वैकेंडी प्लेयर्स विल नाउ लीव फुटप्रिंट्स, वाओ ये बहुत लोग इंतजार कर रहे थे इसका। अब वैकेंडी मैप में आप लोगों को जैसे कि पता है कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर वाला जो वर्जन है उसमें वैकेंडी मैप में क्या होता है कि जब बर्फ़ में कोई प्लेयर्स चल के जाता है तो उसका निशान पैरों का निशान बर्फ़ में छूट जाता है। तो लेकिन मोबाइल का जो वैकेंडी मैप था उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, बट इस अपडेट के बाद जब आप वैकेंडी मैच में गेम खेलोगे तब आप लोग एनिमीज के फुटप्रिंट्स को जो है ट्रैक कर सकोगे, ओके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसमें, ओके। सो वैकेंडी में हमें वो देखने को मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों एडेड डेडिकेटेड बटन्स फॉर क्लाइंबिंग, एक कंट्रोल्स में एक नया बटन दिखेगा आपको, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वीडियो बना के, वो नहीं देखा तो वो देख लेना, ओके। व्हेन किल्ड बाय फ्रेंडली फायर नाउ प्लेयर्स कैन डिसाइड इफ द टीममेट शुड लॉस मेरिट और नॉट, ओके। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया है यार। होता क्या गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने एनिमिश को जो है ग्रेनेड करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके टीममेट्स भी होते हैं, कभी कभी गलती से आपका जो टीममेट्स है वो भी मर जाता है ना। तो इसमें ये अब आप डिसाइड कर सकोगे कि आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर आपने गलती से अगर आपको गलती से आपके टीममेट्स ने मार दिया तो आप सेलेक्ट कर सकते हो आप उसके मेरिट कम करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, ये ऑप्शन आप लोगों के पास अपने हाथ में आपके पास राइट रहेगा। तो ये भी अच्छा है, कभी कभी गलती से अपने फ्रेंड्स मर जाते, मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका, ओके। सो ये भी अच्छा है। तो एडिट अ गोडजिला थीम लॉबी बैकग्राउंड विल बी अवेलेबल टुगेदर विद, तो आप लोगों को जैसे विंटर वाला जो स्प्रिंग सीजन का बैकग्राउंड देखने को मिला था होम स्क्रीन में लॉबी में, तो अब जब ये नया अपडेट आएगा उसमें आप लोगों को गोरजिला वाला थीम देखने को मिलेगा, ओके। उसके अलावा दोस्तों एडिट न्यू प्रॉपर्ली एंड रैंकिंग, तो ये भी रैंकिंग से रिलेटेड है, और मैं कलेक्ट टाइटल्स एट क्रिसमस रैंकिंग परमानेंटली न्यू अचीवमेंट्स। सो गाइस ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये सारे बड़े बड़े चीज़ें आने वाला है इस अपडेट में। इसके अलावा छोटे मोटे चीज़ें इम्प्रूवमेंट होगा जो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ओके गाइस। बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, अगर आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। सो इसको क्रॉस करके आप लोग जो है आप गेम को ओपन कर सकते हो। हालांकि मेंटेनेंस ब्रेक कल 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आज क्या तारीख है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है,
दस है, कल से स्टार्ट हो जाएगा मेंटेनेंस ब्रेक। सो गाइस ये होगा बहुत बड़ा अपडेट, मेरे ख्याल से लगभग लगभग 1 GB के अराउंड तो ये अपडेट होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ये अपडेट हमें करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, तो तैयार रहिएगा बग्स के लिए। ओके और दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को कोई इस अपडेट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा, और जैसे ही अपडेट आएगा ना गाइस उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या कुछ नया आया है इस अपडेट में। सो गाइस PUBG मोबाइल गेम के लिए इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ये अपडेट बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस अपडेट में बहुत सारे बग्स ठीक होंगे, जो लैगिंग इशू है, जो ऑटो स्टॉप वाला इशू है, वो सारा बग्स फिक्स होगा। उसके अलावा नए फीचर्स तो बहुत सारे ऐड कर ही रहे हैं। ओके सो PUBG मोबाइल गेम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, दिस इज अजय साइनिंग ऑफ, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।